हाय गाइस, हम लोग आ रहे हैं गरवाई की कंसील टैंक। इसको ऐसे ओपन करेंगे, ये इसका बॉक्स है, ये ऐसी ऐसी पैकिंग आती है, ये इसके नट है। एक भी बात था इसके साथ, ये इसका टाइल है, नीचे का ये मैट है, और एक हम इसको हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं होती। इसको हम एक साइड में डाल देंगे, इसको हम ऐसे करके इसमें ऐसे राउंड करके फिक्स करेंगे, ये बस ऐसे लगाना, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। एक बॉक्स इसके साथ ये आता है, इसमें इसका यहाँ का बैंड, ये यहाँ का बैंड होता है, एक वॉशर होती है इसमें, इसका कनेक्शन का, और एक इसको ऐसे लगाना, मैं आपको बताता हूँ। ये नट आता है, इसका एक नट खोलो, इसमें एक बोल वाला था, एक राउंड वाला, इसमें राउंड को खोल लो, इसे पीछे ये दिया हुआ है, इसमें से इसको वाल को अंदर की तरफ इस वाल का हम इस तरफ होगा तो इस सेक्शन पर लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वाल को सेट इसका इस तरफ है। अगर इसको हम ऐसे लगा देते हैं तो हमको ये जो पुश होते हैं तो इसमें दिक्कत आएगी, ऐसे भी नहीं लगा सकते हम इसको, हम इसको सिर्फ ऐसे लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे, ये इसका पाइप लगा दिया हमने लेफ्ट, इसको ऐसे इसके साथ गरवाई के साथ हम लगाते हैं ग्रेविटी स्विच, ग्रेविटी एलईडी वाली स्विच है, इसमें कोई नट नहीं होते साइड में, एलईडी से लगेगी है और कुछ भी नहीं होता। इसका हमने जुगाड़ बनाया, मतलब पाइप से जुगाड़ बनाया, ठीक है। हम इसको ऐसे लगा देंगे, इसकी मिनिमम हाइट होती है, तो इस तरह से इसके बेस में कर लेना कवर बस। अब इसको हम इसमें लगा देंगे, तो सबसे अच्छी चीज़ ये दी गई है, इसकी सबसे बढ़िया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रबड़ दी गई है इसमें, जो कि और जयपुर में हिबे में नहीं होती, गरवे में होती है बस। इसको हम ऐसे लगा देंगे, ये थ्रेड होता है इसमें, गरवाई का लगा रहे हो, एक इसके साथ ये आता है, इसको बीच में से कटिंग कर लो, ताकि सीट में हमको वो लगा ये पाइप लगाना ना पड़े, सेटिंग ना करना पड़े, इसको काट कर जट करने में दिक्कत आती है, इसलिए पहले इसको कटिंग कर लो इसको, ताकि ये इसके अंदर घुस हो जाए और सीट में नेट में एडजस्ट हो जाए, परमानेंट लग जाएगा ये जब तक पूरा काम नहीं हो। फिर जो पत्तियों को बैंड करना है ऐसे लेके, तो ये पत्तियां हैं इसकी, सिर्फ ऐसे करके दीवार पे हैंग करने के लिए, एक इसमें से इसमें डायरेक्ट हैंग हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ऐसे ही अपने दूसरे वाले पत्ती को भी करना है। अब इसको दूसरे वाले को हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना है इसको, ऐसे करके लगाना, बाकी इसमें इसकी डायमेंशन इसके साथ दी गई है, इसको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, इसका सारा का सारा इधर से ऐसे ऐसे करके
फिर इसको ऐसे सब दिया गया है इसको कैसे कैसे लगाना है। इसके साथ दो पत्ती आई है, इसके दो तरह की है पत्ती आई है, इसको इसमें लगाना है कैसे करना है, फिर इसको ले जाके फिट कर देना। इसके साथ दो पत्ती आई है, फिर इसका ये इसके नट आते हैं तो दीवार में हैंग करने के लिए, इसको ऐसे करके लगा। तो वाटर लेवल हो गया है, बिल्कुल लेवल में सीट रखी गई है। अब हम लगाएंगे इसमें टैंक। इस टैंक में एक पत्ती थी, इसकी पत्ती इसका हम निकल गई, पत्ती तो ऐसे ही निकल जाएंगी इसकी। और अब हमने जो ये पाइप काटा था ऐसे, अब हमें इसको बेनिफिट देखना है, इसको कैसे ऐसे पोस करना है, दबा के इसको सीट के इनलेट में लगा देना। इसके बाद हमको करना है टैंक का लेवल। ये देखो, ये हो गया हमारा टैंक का लेवल। इसके बाद हमारे जो ये निकले हैं हम इसको नीचे बंद कर शुरू कर दिया। हाँ, इसका हम वाटर लेवल करेंगे। ये रहा वाटर लेवल। वाटर लेवल के हिसाब से हम इसका काम करेंगे। इसका वाटर लेवल ऐसे करके चलेंगे हम शीट का बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे गरोई का टैंक। इसकी मिनिमम दस से हाइट रहेगी ये 430। अब हमारी शीट बिल्कुल फाइनल पे आ गई है। अब हम इसको मार्क करेंगे। इसके पॉइंट में वाटर लेवल भी हो गया, सब कुछ हो गया है। इसको हम मार्क करके चलेंगे। एक तो हम करेंगे इसके ही जो हमने लगाया था, एक करेंगे हम यहाँ सेंटर में और एक हम करेंगे यहाँ मार्क। ठीक है, हम इसका करके चलेंगे दूसरे वाले शीट का जो मार्किंग पूल है। लेवल हमें इसका कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हम लेवल भी नहीं रखते थे, वो गिर जाएगा और ख़राब हो जाएगा।
इसको हम ऐसे हैंड कर लेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको हम हैमर के साथ इसके बाद ये 20 mm और 15 mm के गोली है, 15 mm थ्रेड में इधर ऐसे करके इसको हम ऐसे लगा देंगे। बस 90 degree एंगल चेक करना सीधा है। ओके, इसको हम ऐसे करके हम इसमें हमारा बिल्कुल फाइनल है। अब हम इसको उसको स्लिप करना है, टाइट करना है। दो हम लेंगे 4 इंची के स्क्रू और 4 लेंगे हम 2 इंची के स्क्रू। स्क्रू ड्राइवर आ गया हमारा स्क्रू ड्राइवर। इसको हम इधर ऐसे लूज करके छोड़ देंगे, इसलिए कि हम एक बार इसका वाट लेवल कर सकें। वाट लेवल देखो हमारा इस तरफ है, हमको इस तरफ झुका हुआ है, हमको इस तरफ करना है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके पुश करेंगे। ये देखो हमारा वाट लेवल बिल्कुल ठीक आ गया है। ठीक है, अब हम इसको हैंड कर देंगे। ये हमारा हैंग हो गया, बॉट लेवल बिल्कुल हमारा ठीक है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। इसका हमने फिटिंग करना है कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम इसका एक बारी और लेवल करेंगे। लेवल हमारा बिल्कुल ओके है, सब कुछ है। इसके बाद हम जो हमने दीवार शीटें लगाई थी, अब हम इस शीट को धीरे धीरे करके इसे हटा देंगे। बस इसको हटा के हम साइड से रख देंगे। हमारा ये बिल्कुल फाइनल हो गया। इसको हम रेडम 3 नहीं लगाया था, इसको हम निकाल दें, ये हमारा लगाया रहेगा बस, और कुछ नहीं। इसके बाद चिनाई हो जाएगी इसकी।